हाँ कुछ और सामने आप समाप्त कर रहे हैं तो उसमें वो इम्यूनिटी के लिए पूरा वापिस हो जाता है, रोजा टूट जाता है। तो इनमें से अहम चीज़ है बेहोशी का हो जाना, आदमी बदहोशी से कार्य हो जाए तो वो बदहोशी में चला जाए, कुछ हवा बाकी ना रहे। दरअसल इसकी दो सूरतें होंगी। एक सूरत तो ये है कि बेहोश होने वाला शख्स और सुबह सागर से लेकर के उस पर ये आदि हुआ और वो बराबर उस पर रहा, बेहोश रहा, यहाँ तक कि सूरज डूब गया, बीच में अगर कभी होश ही नहीं आया अपनी कहता तो यकीन इस शख्स का रोजा जो है ये नहीं होगा। और इसके लिए जरूरी है कि इसकी जगह पर बाद में चलकर उसकी फजा है, क्योंकि रोजा नियत के साथ होता है। जाहिर सी बात है उस सुबह में जिस वक्त नियत कर ली थी उस वक्त जो है बेहोशी में था, तो दिन भर जो है बेहोशी में रहा तो उसका रोजा कैसे हो सकता है। और इसी तरह से दूसरी शक्ल ये है कि आदमी सुबह साजिश में तो सुबह के वक्त में बेहोशी रही, या सुबह के वक्त में उसने सहरी खाई और उसके बाद में नियत भी की, लेकिन दिल के किसी हिस्से में जो है बेहोशी कार्य हो जाती है। फिर ऐसी सूरत में अगर वो खाने पीने से ख्वाहिश नफ्स से उससे बाकी जो वक्त उसका बचा है जब उसको होश आता है वो रुके रहता है तो ऐसे शख्स का रोजा हो जाएगा, क्योंकि उसने सहरी खाई, नियत भी की है और सुबह तारीख से पहले उसको होश आ गया है तो ऐसे शख्स का रोजा हो जाएगा। चुनाचे शेख इब्न उसैमैन ने और इमाम अहमद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो दो मुद्दे हमने आपको बयान सामने बयान किए हैं बेहोश होने वाले शख्स के हवाले से, इसी चीज़ को जिक्र किया है। और रहा वो शख्स मुस्तकिल तौर पर सुबह तारीख से लेकर के शाम तक जो शख्स बीमार खाना में बेहोश रहता है तो उसको बीमार के रूप में लेकर कुरान करीम में है और मरीज अब आया सफर फरीदतुल्लिया बीमार की जगह पर उसको लिया है कि जो तुमने से बीमार हो जाए या मुसाफिर हो तो उसे चाहिए कि दूसरे दिनों में वो रोजा रखे। तो ऐसा शख्स ऐसा जो शख्स बाद में चलकर उसकी कजा देगा। इसी तरह से इससे जुड़ा हुआ एक आम मसला है कि क्या बच्चे को दूध पिलाने से रोजा बातिल हो जाता है। बहुत से लोगों को शुभ इस सिलसिले में हो सकता है कि दूध पिलाने की वजह से शायद रोजा बातिल हो जाता हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि दूध पिलाने की वजह से औरत का रोजा जो है बरकरार रहेगा। उसे चाहिए वो अपनी रोजे को बरकरार रखे और अपने बच्चे को दूध पिलाए, बल्कि उसके लिए रुख्सत भी दी है शरीयत में। आप इससे पहले समाप्त कर चुके हो कि मुर्जिया दूध पिलाने वाली औरत को शरीयत ने रुख्सत दी है कि चाहे तो रोजा न रखे सिरे से और बाद में चल करके उसकी कजा वो दे दे। इसी तरह क्या नक्सीर के आने से रोजा बातिल हो जाता है? ये वो तमाम अहम उमूर हैं जो शुबहात इंसान को दिला रहे हैं और यकीन जिनका जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे इल्म में ये चीज़ें होंगी तो हम जो है बिला तरद्दुद अपने रोजे को पूरा करेंगे। तो नक्सीर की वजह से भी रोज़ा बातिल नहीं होता है, इसकी वजह से भी रोज़ा ख़राब नहीं होगा। चुनाचे इस सिलसिले में सऊदी मजीद से इतला का फतवा है कि अगर आपको नक्सीर आ जाए तो आपका रोज़ा सही है, क्योंकि आपको नक्सीर आएगी जिस पर आपको कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि जो आप जानकर तो की नहीं है वो खुद से एक तरह से मिला इख्तियार वो चीज़ जो है आ गई और अल्लाह इंसान को अल्लाह ताला उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। इसी तरह से टेस्ट वगैरह के लिए खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और इस सिलसिले में नमाज रहमतुल्लाह का फतवा आप समाप्त फरमाए जिक्र फरमाते हैं, टेस्ट वगैरह के लिए खून देने से रोज़ा फासिल नहीं होता, बल्कि ये माफ है, इसलिए कि ये ज़रूरत की बिना पर हासिल किया गया है और ना ही शराब या रोज़ा तोड़ने वाली अशिया की जिन्स में शामिल है। और एक फतवे में जिक्र करते हैं कि खून निकलने से रोज़ा बातिल नहीं होगा। कल भी आपने इब्न अब्बास सलाम किया था कि उन्होंने एक उसको जिक्र किया कि रोज़ा टूटता है वो चीज़ों से जिनको आप अंदर लेते हो, ना कि उन चीज़ों के जब जो चीज़ें खारिज होती हैं जिसमें से निकलती हैं उनके लिए रोज़ा बातिल नहीं होता। और शेख इब्न उसैमैन का यही फतवा है इस सिलसिले में कि टेस्ट वगैरह के लिए दिए जाने वाले खून से रोज़ा बातिल नहीं होता, अलबत्ता अगर खून की ज़रूरत किसी शख्स को पड़ जाती है तो उस सूरत में चूँकि ज़्यादा खून दिया जाता है और उसकी वजह से देने की वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा कमजोरी लाही हो सकती है, लिहाजा उसे चाहिए कि खून देने के लिए टेस्ट करने के लिए देना एक अलग चीज़ है जो मामूली इंतजार में दिया जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी मरीज के लिए खून देने की जरूरत पड़ जाए तो एक मिनट दो मिनट इस तरीके से दिया जाता है काफ़ी इंतजार में, लिहाजा वो शाम तक का थोड़ा इंतजार करें। तो ऐसे उसके लिए बहरहाल एहतियात बरतने की जरूरत है।
बाकी इसी तरह से क्या दांतों से निकलने वाला खून रोजा तोड़ देता है, तो इस सिलसिले में भी कोई ऐसी शरीर से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें के लिए बात कही जा सके कि दांतों से निकलने वाला खून को आप निकाला गया हो किसी के मारने के लिए निकल गया हो या खुद से बाहर लोगों को निकल आता है तो उसकी वजह से रोजा खराब नहीं होता। सऊदी मंदिर से इतना एक्सीडेंट बतवा है कि वो खून जो दांतों के दरमियान से निकलता है रोजा नहीं तोड़ता खा खुद निकल रहा है या इसी तरीके से किसी इंसान के मारने से निकले। इसी तरह क्या आंखों या कानों में खतरे डालने से रोजा टूट जाता है, तो इससे इतने बीमार रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर जिस मसले में इख्तिलाफ है लेकिन सही बात यह है कि मुतलक तौर पर आंखों में डालने वाले खतरों से रोजा नहीं टूटता। और यही चीज जो है राजे है कि ये चीजें ऐसी हैं बहुत मामूली रोजा में डाली जाती हैं और ये आंख में ही शराय करके रह जाती हैं, महदे में ये चीजें नहीं जाती। अल्लाह ने इससे पहले आपके सामने बात आ चुकी है कि अगर खतरात के डालने की वजह से आपके गले पर कुछ करवाहट की होती है तो आप उसको अंदर ना ले उसको फूंक दें। इसी तरह से क्या अंगूठा चूसने से रोजा टूट जाता है, बहुत से लोगों को आदत होती है नाखून चबाते हैं। कल एक साथ ने सवाल किया था कि नाखून चबना अगर हम चबाते हैं तो बहरहाल अगर उसको चबा करके आप अंदर ले जाते हो तो उससे तो रोजा टूट जाएगा, लेकिन ये कि बहरहाल अगर ऐसी आदत है कि नाखून चबाया और ये बात नहीं किया, बहुत से लोग उंगली चबा उंगली चूसते रहते हैं तो ये वो चीज़ें अंदर आने की वजह से रोजा खराब नहीं होगा। अंगूठा चूसने से रोजा नहीं टूटता क्योंकि शरीयत ने जिन अशिया को रोजा तोड़ने के काबिल करार दिया गया है ये अमल उनमें से नहीं है। तो ये वो तमाम चीज़ें आपने समाप्त की थी जिनकी वजह से रोजा खराब हो जाता है या वो चीज़ें जिनको लेकर के लोगों को शुभार होते हैं वो चीज़ें जब रोजा छोड़ने के अमल में दाखिल नहीं होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने समाप्त की हैं। अल्लाह तआला से दुआ है बारे तआला सभी को कुरान और सुन्नत के बताए हुए तरीके के मुताबिक कुरान और सुन्नत की हिदायत के मुताबिक अपने रोजों को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहु आलमीन इन चीज़ों से हमें अपने रोजों को सालिम रखने की और दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए। रोजा खराब हो जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम को इन सब के मुताबिक हिदायत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी इन शाह अगले दिन में आपको समाप्त करेंगे रोजों की कदा के हवाले से कि अगर रोजे लोगों के छूट जाते हैं किसी की वजह से तो उनकी कदा का की सूरत क्या होगी और किस तरह से हमें कदा वालों का की कदा देनी है, तो इसी तरह इन शाह अगले दिन में आपके सामने जिक्र आएगा। अल्लाह तआला देखिए असल तो यही है कि उसकी वजह से रोज़ा खराब नहीं होता क्योंकि रोज़ा खराब होने का हुक्म उन्हीं चीज़ों से लगाया जाएगा जिनका शरीयत ने जिक्र किया है। लेकिन फिर भी इस सिलसिले में ये बात आपके सामने से पहले कही गई है कि एहतियात बरतें जिनमें हम विश्वास का इस्तेमाल करें, शाम को पैस वगैरह का इस्तेमाल करें क्योंकि पैस इस्तेमाल करने से एक थोड़ी सी दरार आपको बाद में चक्कर में कीलिंग की होती है तो क्यों एक सुबह में हम पढ़े ऐसी चीज में पढ़े क्यों जिसकी वजह से आदमी का दर्द दूर हो तो उसे इस्तेमाल करना ये बेहतर है अवला है। बाकी असल यही है कि रात उसकी वजह से नहीं टूटता।